आज महाशिवरात्रि है, आइए इस मौके पर हम आपको हजारों साल पुराने नीलकंठ महादेव मंदिर का दर्शन कराते हैं, जहां शिवरात्रि पर लगती है भक्तों की भारी भीड़। साथ ही क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की आपको बता दें, सुबह से ही कांवड़ियों और भक्तों की भीड़ मंदिर में पहुंचकर भोले बाबा को दर्शन कर रहे हैं और दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं। इटावा के नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव भक्त अपनी मुरादों और मनोकामनाओं को लेकर हमेशा से आते रहे हैं और मंदिर में बने शिवलिंग पर पुष्प और धतूरा चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इटावा शहर के बीचों बीच स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर अपनी मान्यताओं को लेकर शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। मेरा अमित वर्मा नाम है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है हमारा, नीलकंठ मंदिर कहते हैं इसको, और ये बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ हमारा है और बहुत दूर दूर से बहुत ही अच्छी मान्यता है कि बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए ये हमारा मंदिर बहुत ही शुभ माना जाता है। और बहुत हाँ, तो ऐसा है ना कि ये पूरे जिले में बहुत ही मशहूर मंदिर है, इसमें काफी लोग आते हैं, जैसे कांवड़िया लोग हमारे आ रहे हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमने यहाँ आके जल चढ़ाते हैं। यहाँ पूरे देश से शिव भक्त आते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी भी कर देते हैं। इसीलिए शिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ लाखों की भीड़ होती ही होती है, इसके अलावा हर सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पहुँचती है। श्रद्धालु तो रात से ही आना शुरू हो गए हैं, कांवर भी पहली कांव 8 बजे ही आ गई थी, तो उनसे कहा गया रुको जब थोड़ा वो ब्रह्म मुहूर्त हो उसके बाद में आप शुरू करें, तो बराबर कांवर भी चल रही, भीड़ भी है, भीड़ अभी थोड़े 8-9 बजे के बाद से बहुत बढ़ जाएगी और दिन भर ये रश भीड़ रहेगी। अच्छा, नीलकंठ मंदिर काफी प्रसिद्ध है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या कहना है आपका? कुछ कृपा है भोले बाबा की, काफी समय से उनकी ख्याति हमेशा बढ़ती जा रही है और आसपास की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो भिंड हो, औरैया हो, इधर मैनपुरी वगैरह फरकाबाद काफ़ी लोग आते हैं, ये उनकी हम यही कहेंगे कि कृपा है और उस कृपा का लोगों ने आनंद लेने आते हैं वो बराबर। इटावा के नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव भक्त अपनी मुरादों और मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और मंदिर में बने शिवलिंग पर पुष्प, धतूरा, भांग और तमाम तरह की चीज़ें चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इटावा का ये शिव मंदिर भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भी जाना जाता है। भक्तों की सुविधा के लिए इटावा के जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ तमाम इंतजाम किए जाते हैं। ये हमारा रामायण पाठ चल रहा है और कांवरियों का अभी तो पूजा अर्चन चल रहा है, इसके बाद भक्तों की आम भीड़ होती है। अभी सुबह 4 बजे से अभी कांवर चढ़ेंगे 8-9 बजे तक, उसके बाद फिर सादा भीड़ आती है। यही कार्यक्रम है, रात में रात जागरण होता है, उसमें 500 आदमी कम से कम पूजा में रहते हैं पूरी रात। आज इस शिवरात्रि को कितना शुभ माना जाए? हर शिवरात्रि भोले बाबा की है और वो हर साल बड़ी शुभ होती है। यूपी न्यूज 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।